एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ ब्लैक किड्स और व्हाइट किड्स से जुड़े प्रॉब्लम्स को लेकर। जी बिल्कुल, व्हाइट सेज और जो ब्लैक किड्स होते हैं हमारे स्किन के जो नेचुरल ब्यूटी होते हैं ना, उसको बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। मैं हूँ या कोई भी हो, ब्लैक किड्स से सब परेशान हैं और काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फेशियल के दौरान, जो हम पिन का इस्तेमाल करते हैं पार्लर में, उससे भी रिमूव करना है लेकिन फिर भी वो जड़ से नहीं जाते हैं, कुछ दिनों में फिर से वापस आ जाते हैं। काफ़ी शिकायत होते हैं, कुशन, धूल, मिट्टी, गंदगी, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं उस पे जम जाते हैं, हमारे डेड स्किन सेल्स पे जो गंदगी होते हैं वो जमने की वजह से ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पड़ जाते हैं और ये इतने ज़िद्दी होते हैं कि जल्दी रिमूव ही नहीं होते हैं। चाहे अब तो मैं आज आपको बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, नेचुरल आपको स्क्रब बताऊँगी और इसे आप ज़रूर ट्राई करना। आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी सालों पुराना ब्लैक हेड्स भी इजिली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा हमारे कोई भी रंग को वापस करने में मदद करता है और ये छोटे छोटे हेयर को भी रिमूव करने में मदद करता है और दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। उसके बाद आपको चीनी लेना है। चीनी को हल्का दरदरा कर आपको लेना है। चीनी एक नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है आपकी स्किन पर। उसके बाद आपको 1 चम्मच हनी लेना है। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और स्किन को एक इवन टोन लाइट करता है। उसके बाद आपको 1 चम्मच दही लेना है। दही स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करता है, स्किन को ब्राइट करता है और एक क्लींजिंग का काम करता है। उसके बाद आप सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद एक स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। मैंने फेस वॉश कर लिया है। मैंने अब फेस में कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस लिप बाम लगाया है। उसके बाद आप अपने नाक में, चीक में, टुड्डी में, जहाँ पर भी ब्लैक हेड्स हो वहाँ पर आप इसे अप्लाई करें। आप चाहो तो पूरा फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी पूरे फेस पे ही अप्लाई करती हूँ। इससे क्या है कि दही और जो मैंने शहद मिक्स किया है, इससे मेरे स्किन को एक इवन टोन देता है, सॉफ्ट करता है। उसके बाद आपको इसी तरह स्क्रब करना है। 10 मिनट तक आपको स्क्रब करना है। इसे लगा के छोड़ना नहीं है, आपको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते रहना है हल्के हल्के हाथों से। आप इसको हफ्ते में 3 बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ईजली बहुत रिमूव हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। फिर गीले टॉवल से अच्छे से डैप डैप मोशन में आप उसे पोंछ लें अपने स्किन को। आप देख सकते हैं एक हाइलाइटिंग जैसा मेरा नाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने हाइलाइट किया हुआ है। क्योंकि जब आपके ब्लैक हेड्स होते हैं ना, तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, खो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे नाक बिना हाइलाइटिंग का ही हाइलाइट कर रहा है, तो क्योंकि ब्लैक हेड्स की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। जैसे ही ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हटते हैं तो आपका एक इवन टोन हो जाता है, हाईलाइट करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी ये प्यार हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है। और मैं आपके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज आपको मिले, जिससे आपको फायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।